हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल का पास ऑफिशियल 18। और इस वीडियो में बात करेंगे केदारनाथ के अपडेट्स के बारे में। तो भाई जैसा आपको पता ही होगा, आज होगी 13 तारीख, 13 सितंबर 2024। तो भाई आज की अपडेट ये है कि वेदर को लेके सबसे पहले बात करेंगे, बिकॉज वेदर जो है वहाँ का बहुत ख़राब हो रहा है। आज ही बारिश हुई है, हो रही है बारिश, कल भी बारिश हुई थी, रात के 12 बजे के बाद से बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, फिर भी यात्रा जो है वो यात्री जो इनफेक्ट बारिश में भी यात्रा कर रहे हैं, तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि या बारिश में यात्रा ना करें, बिकॉज भूस्खलन के देख रहे हो, लैंडस्लाइड हर दिन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं। ठीक है, और इनफैक्ट कुछ यात्री ये है कि भाई वहाँ के प्रशासन, NDRF, SDRF, जो लोकल पुलिस है, उनकी बात भी नहीं सुन रही है, वो बारिश में भी यात्रा कर रही है। तो भाई ऐसा ना करें, अदरवाइज़ आप फंस जाओगे। और हमेशा सही जगह पर आप रुकिए, ठीक है, सेफ जगह रुके। बारिश में यात्रा कर रहे हैं तो पहली बात तो भाई मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप बारिश में यात्रा करिए। एक अच्छी सही जगह जाके रुकिए वहाँ पे पहले तो, ठीक है, और बारिश वेट रुकने का इंतज़ार करिए। और भाई वेदर का आपको मैंने बता दिया कि भाई वेदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आज भी बारिश। इनफेक्ट जो वेदर फॉरकास्ट है उन्होंने भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं भाई टैक्सी का, भाई तो जो टैक्सी का जो अपडेट ये है कि भाई आपको सोनप्रयाग से टैक्सी मिल रही है, बस आपको ब्रिज के पास आना पड़ेगा। ब्रिज के आप वहाँ पे आप आके आपको टैक्सी सेवा मिल जाएगी जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी। और जो तीसरा अपडेट है ये है कि भाई ऊपर जो है, जो क्राउड है, जो श्रद्धालु हैं, वो कम से कम 3 से 4 आज जो है, कल भी 3 से 4 हज़ार लोग यात्री डेली आ रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, ठीक है। और घोड़ा कच्चर, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर सेवा, सारी सेवा चल रही है। इनफैक्ट अभी यात्रा खुली नहीं, ऑफिशियली यात्रा खुली नहीं है, अनऑफिशियली यात्रा खुली जो अपने रिस्क पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी वहाँ के लोकल दुकान वाले हैं, तो भाई उन सब ने अपना अपना सारा जैसे शॉप वगैरह ओपन कर लिया है, तो ऐसा कोई दिक्कत का फेस सामना नहीं करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा आप मतलब प्रिकॉशन फॉलो करो, जो हमारा सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो मेन जो बीच वाला रास्ता आता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे जिन यात्री की डेथ जो डेथ होगी, वो भाई थोड़ा सा वहाँ से संभल के जाइए, बिकॉज वो जो रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। बस ये सारी अपडेट थी, और बाकी सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, यात्री दर्शन कर रहे हैं, 3 से 4 हज़ार यात्री डेली आ रहे हैं दर्शन करने। आप भीड़ बहुत खचाखच भीड़ है, इनफैक्ट घोड़ा कचर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और वेदर आज पता ही होगा भाई, आज भी यात्रा जब तक यात्रा बारिश होगी तब यात्रा खोलेंगे नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई जबरदस्ती बिना किसी की मर्जी के, बिना वो बिना बात माने वो यात्रा करें बारिश में, तो भाई वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ को आप मत करिए, ऐसे फंस जाओगे अदरवाइज़, ठीक है। तो भाई ये थी अपडेट आज की, और ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल कंपास ऑफिशियल 18। और मिलता हूँ एक और केदारनाथ के अपडेट के साथ। और कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन आपके, आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसमें आपको रिप्लाई करूँगा, होगा तो वीडियो बनाऊँगा। टिल देन, हर महादेव, जय श्री केदार।